तो क्या आपने भी दिल्ली शहर में होते हुए गांव को देखा है? तो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। तो स्वागत है आज दोस्तों आपका एक बार फिर से दिल्ली के एक और वीडियो में, जहां पर मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूं यहां का नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आ चुका हूं अभी शिल्प संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है, और यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हम किसी गांव में आ चुके हैं। पूरी तरह से ये वही शेड उसी तरह है जैसे गांव में बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या आपने भी दिल्ली शहर में होते हुए गांव को देखा है? तो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। में जिस तरह से बैलगाड़ियाँ चलती हैं उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है चरखा, जैसा कि गांधी जी पहले चलाया करते थे वही चीज है ये। तो दोस्तों दिल्ली शहर के बीच में बसा ये छोटा सा गांव मुझे बहुत पसंद आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और चलिए अब चलते हैं यहाँ से पुराना किला जहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हुमायूं का दरवाज़ा और वहाँ का जो गार्डन है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए यहाँ से निकल के चलते हैं पुराना किला। इस बात का खेद भी है मुझे कि मैं आया था एक्चुअली दिल्ली का पुराना किला जहाँ पर है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बट कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी हम घूम नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा कोई भी चीज़। और ये बगल में जू है, चिड़ियाघर, वो भी बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से। यार ये कोविड आया क्यों, हर जगहों को बंद कर दिया जा रहा है, बताओ। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो दिल्ली का,
जिसमें आपने देखा शिल्प संग्रहालय जो पूरी तरह से गांव पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते रहिए यात्रा चैनल, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।